Hello everyone, today we'll be making a panda themed chocolate cake. So for this I've taken my chocolate sponges जिसे हमने 5 इंच के टिन में बेक करा है एंड 6 इंच के टिन में बेक करा है. बेसिकली जो हमारा परफेक्ट साइज है वो 6 इंच होना है, बट मेरे पास दो 6 इंच के टिन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने एक को 5 इंच में बेक कर दिया एंड एक को 6 इंच में बेक करा है. जब हम लेयर्स कट करेंगे तो 6 इंच से हमें 3 लेयर्स मिलेंगी एंड 5 इंच से हमें 4 लेयर्स मिलेंगी, तो हम अपनी एक एक्स्ट्रा लेयर को कट करके उसे 6 इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं. चाहे तो 6 इंच के ही टिन में दो बार बेक कर सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सो आई फाइंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक अ बेटर ऑप्शन. We'll begin with the assembling of a cake. I have put some ganache on the cake board, जिसकी वजह से हमारा केक इधर उधर स्लाइड नहीं करेगा और अपनी जगह पे ही प्रॉपरली स्टिक रहे. So I have placed my first layer, जिसे कि हमने थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है अपने बोर्ड के, बिकॉज हमें जो है बोर्ड के फ्रंट पे लिखना था हैप्पी बर्थडे करके, तभी हमने अपने केक के जो स्पॉन्ज है उसको थोड़ा सा साइड में रखा है ताकि हमारे पास लिखने की स्पेस रहे. एंड वन मोर थिंग, आई ऑलवेज प्लेस अ क्लॉथ अंडर माई बोर्ड, जिसकी वजह से मेरा जो केक बेस है वो इधर उधर स्लाइड नहीं करता. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेम टेक्निक. देन आई हैव सोक्ड माई केक स्पॉन्ज विद द सिरप, जिसकी वजह से हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट रहेगा एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा. मेक श्योर दैट जो हमारी बेस लेयर होती है उसे हम बहुत ज़्यादा ओवर सोक ना करें. जस्ट स्टार्ट प्लेसिंग द गनाश एंड द चॉकलेट मूस क्रीम इवनली. एंड देन विल प्लेस अ नेक्स्ट लेयर. ये लेयर वो है जिसे हमने 5 इंच के टिन में बनाया था एंड एज यू कैन सी कि हमने उसे किस तरह से 6 इंच के साइज में कन्वर्ट कर दिया है. यू कैन ऑल्सो डू द सेम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे फाइनल रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज जब हमारा केक पूरा असेंबल हो जाता है, सेट हो जाता है, तो उससे कोई भी इशू नहीं होता है. देन जस्ट अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, सोक द लेयर नाइसली, पुट सम चॉकलेट मूस एंड देन गनाश ओवर इट एंड स्प्रेड इट इवनली एंड रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन until we had arranged all our layers. जब हमारी सारी लेयर्स असेंबल हो जाएंगी तो हम उसमें पेपर स्ट्रॉज इंसर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा केक अपनी ही जगह पे बिल्कुल स्टिक रहेगा और बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं होगा. जब भी हम अपना 1 kg का केक बनाते हैं तो आई ऑलवेज इंसर्ट दीज पेपर स्ट्रॉज. सिंपली कवर द टॉप लेयर विद सम चॉकलेट गनाश और उसके बाद हम अपने चॉकलेट मूस से पूरा उसे क्रम कोट कर देंगे. क्रम कोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम केक को अच्छे से क्रम कोट कर देते हैं तो केक के जितने भी छोटे छोटे क्रम्स होते हैं वो सब केक के अंदर ही सेटल हो जाते हैं एंड बाहर हमें एक बहुत ही प्रॉपर फिनिश बेस मिल जाता है उसे फाइनल आइसिंग देने के लिए. तो मेक श्योर कि हम हमेशा अपने केक को अच्छे से क्रम कोट करें एंड क्रम कोट करने के बाद एटलीस्ट 15 to 30 minutes हम उसे अपने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें. एंड आफ्टर सेटिंग द केक इन द फ्रिज हम अपनी फाइनल आइसिंग करेंगे. क्योंकि हमारा ये पांडा थीम्ड केक है इसलिए हमने वाइट आइसिंग ली है एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द सेम पाइपिंग टेक्निक. हम हमेशा पाइपिंग बैग में अगर फिल करके आइसिंग करेंगे फाइनल, तो इससे हमारी आइसिंग चारों तरफ काफ़ी इवन रहेगी एंड फॉर बिगनर्स ये बहुत ईजी भी रहता है. डायरेक्टली आइसिंग करने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सो फॉर बिगनर्स दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक. एंड आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम हम स्क्रेपर से उसे स्मूथ करेंगे. मेक श्योर कि हम अपना स्क्रेपर एक ही जगह रखें, जस्ट कीप ऑन रोटेटिंग द स्टैंड. जैसे जैसे हम उसे रोटेट करते जाएंगे वो अपने आप ही स्मूथ होता चला जाएगा. स्मूथ करने के बाद जितने भी एयर बबल्स होंगे या गैप्स होंगे उसे हम फिल इन करेंगे क्रीम से विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला एज शोन इन द वीडियो एंड हम उसे दोबारा से स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे. टॉप लेयर हम अपनी स्मूथ करेंगे, देन साइड्स स्मूथ करेंगे एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस. दिस विल टेक अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि टाइम के साथ अपने आप ही होने लगेगा. एंड वंस वी हैव रियलाइज कि हमारा केक ऑलमोस्ट स्मूथ हो गया है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज डिप योर स्पैचुला इन अ वार्म वाटर एंड वाइप इट. एंड उसके बाद हमें अपने केक को उस वार्म स्पैचुला से ही स्मूथ करना है. दिस विल गिव अ ब्रिलियंट फिनिश्ड लुक. इट इज़ अ मस्ट ट्राई टेक्निक. एक बार उसे स्मूथ करने के बाद हम दोबारा से उसे वार्म वाटर में डिप करेंगे, उसे वाइप करेंगे एंड फिर से उसे स्मूथ करेंगे. एंड ये प्रोसेस भी हमें 2-3 बार रिपीट करना होगा अपने सारे स्पैचुला के साथ, जब तक कि हमारा एक परफेक्ट लुक ना आ जाए केक का. एंड मेक श्योर कि हम उसे वार्म वाटर पर डिप करने के बाद उसे एक बार पोंछ लें ताकि हमारे स्पैचुला पे बिल्कुल भी पानी ना लगा रहे. एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारे केक की कितनी ही परफेक्ट फिनिश आई है एंड इट्स रेडी टू बी डेकोरेटेड.
नाउ विल स्टार्ट असेंबलिंग दीज फॉन्डेंट पीसेस, जिससे कि हम पांडा का फेस बनाएंगे. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू मेक दिस पांडा फेस, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन और चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो सबसे पहले हमने पांडा की आइज़ को असेंबल करा है प्रॉपरली. देन वील प्लेस द नोज ऑफ आर पांडा, जिसके साथ उसकी मोस्टाशेज भी अटैच हैं. देन वील जस्ट प्लेस दिस पिंक डॉट्स अंडर द आइज ऑफ द पांडा. लास्टली विल प्लेस द ईयर्स ऑफ आर पांडा. इसे हमने स्टिक से इंसर्ट करा है ताकि ये अपनी ही जगह पे स्टिक रहे और गिरे ना. एंड वन मोर थिंग, क्योंकि अभी हमें अपने केक को फ्रिज में रखना था बिकॉज ये ऑर्डर थोड़ी देर बाद जाना था, तो हमने अभी अपने ईयर्स को सेट नहीं करा है. वाई? बिकॉज कि जब हम अपने फोंडेंट वाले केक को फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद उसे बाहर निकालते हैं तो हमारा फोंडेंट मेल्ट होने लगता है. उसके आइस, नोज और जो चीज़ें हैं वो अपनी ही जगह पर सीधी सीधी रखी हुई हैं, तो वो मेल्ट नहीं होंगी. बट अगर हम ईयर्स इसमें स्टिक कर देंगे तो वो मेल्ट होने का डर रहेगा, क्योंकि वो खड़े खड़े प्लेस होंगे. तो तभी हम उनके ईयर्स को बिल्कुल लास्ट में ही असेंबल करेंगे, जब वो बिल्कुल केक जाने के लिए रेडी होगा. तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. लास्टली टू गिव अ केक द फाइनल लुक, हम लोग उस पर लीव सेट करेंगे, ग्रीन स्टिक्स सेट करेंगे. Now as you can see how beautifully our cake turned out, and this is the final look of a cake after assembling the ears and everything. And if you want to know how I have written this happy birthday, then do let me know in the comment section below so that I can upload the video for the same soon. And I've also got the order for this 3 kg 2-tier cake on the same day, so I'll be uploading the tutorial for the same very soon. So if you like this video, do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.